सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर चैनल द बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें आखिर तक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम एकाइनोडर्मेटा को आज हम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 9 है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स। नंबर वन एकाइनो, एकाइनो मींस स्पाइनी, एंड डर्मेटा, डर्मेटा मींस स्किन। मींस के इनमें जो भी जानदार आते हैं उनकी जो स्किन है वो स्पाइनी स्किन है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एकाइनोडर्मेटा, ये स्पाइनी स्किन है। इट इंक्लूड्स 6000 स्पीशीज, इसमें 6000 स्पीशीज आती है। अगर इनकी हैबिटेट देखेंगे कि ये कहां पे मिलते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर में मिलते हैं। ये बात डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन वाटर में मिलते हैं, उनके अलावा ये कहीं पे भी नहीं मिलते, ना फ्रेश वाटर में मिलते हैं ना टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ठीक है, अगर इसकी सिमेट्री देखेंगे हम, इसकी सिमेट्री देखेंगे तो इसका जो लार्वल स्टेज है, जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अगर एक जानदार को कट किया जाए एक प्लेन में तो उसके दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, उसको बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, और इनका जो एडल्ट होता है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री, रेडियस से, आप अगर रेडियस से किसी भी जानदार को मोर देन टू प्लेन्स में काटेंगे और जितने भी हिस्से बनेंगे वो इक्वल हिस्से बनेंगे, एक जैसे हिस्से बनेंगे, तो ऐसी सिमेट्री को हम कहेंगे क्या, रेडियल सिमेट्री। तो इनमें जो फ्री स्विमिंग लार्वा है उनमें कौन सी सिमेट्री होती है, उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जो एडल्ट है उनमें कौन सी सिमेट्री होती है, उनमें होती है रेडियल सिमेट्री। जी अच्छा, रेडियल सिमेट्री के बाद हम करें एक इसमें और करेक्टर आता है पेंटा रेडियल। पेंटा रेडियल को पेंटा मेरस भी कहते हैं, पेंटा रेडियल को पेंटा मेरस भी कहते हैं। पेंटा मींस फाइव। इस फिगर को आप स्टार फिश को अगर देखेंगे, अगर यहां से मैं रेडियस निकाल दूं, ये इसका बीच का हिस्सा है, अगर इस मार्कर को आप देखेंगे तो यहां पे ये इसका रेडियस है। अगर यहां से कट करें और यहां से भी कट करें, अगर यहां से भी कट करें, यहां से एक जानदार पांच हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पेंटा रेडियल है। यहां इसके पांच हिस्से बन रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पेंटा मेरस है, और पांचों हिस्से एक जितने बनेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें करेक्टर आता है ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम, एक दो टर्म है, एक होता है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम। जब डेवलपमेंट स्टेज को हम देखते हैं, जब ब्लास्टोपोर बनता है, ब्लास्टोपोर से अगर पहले बनेगा माउथ, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी डेवलपमेंट को हम कहेंगे प्रोटोस्टोम। ओके, और दूसरा आता है ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम में माउथ पहले नहीं बनेगा, पहले एनस बनेगा, माउथ कहीं और जगह से बनेगा। ठीक है, तो ड्यूट्रोस्टोम जो है, ड्यूट्रोस्टोम में फाइलम आपके कौन से आते हैं, ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम में दो फाइलम आते हैं, फाइलम नंबर 8 और फाइलम नंबर 9। फाइलम नंबर 8 जो हम आज पढ़ रहे हैं एकाइनोडर्मेटा, ड्यूट्रोस्टोम में आता है, और फाइलम नंबर 9 कॉर्डेटा भी ड्यूट्रोस्टोम में आता है। और इसमें कौन कौन से प्रोटोस्टोम में फाइलम आते हैं, फाइलम नंबर 5 एनिलिड्स, फाइलम नंबर 6 मोलस्का, और फाइलम नंबर 7 सॉरी फाइलम नंबर 5 एनिलिड्स, फाइलम नंबर 6 मोलस्का, और फाइलम नंबर 7 आर्थ्रोपोडा इसमें आते हैं। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम में, प्रोटोस्टोम मींस जो ब्लास्टोपोर है वो डेवलप किस में हो, पहले माउथ में हो, और इनमें ड्यूट्रोस्टोम में जो ब्लास्टोपोर है वो डेवलप किस में होता है, वो एनस में होता है, माउथ फिर कहीं और जगह से डेवलप होता है। ठीक है जी,
सिलोमेटिक है, इनकी बॉडी क्या है, सिलोमेटिक मींस कि इनमें स्पेस मौजूद है, ट्रू स्पेस मौजूद है, ठीक है। और इनकी बॉडी क्या है, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, ट्राइप्लोब्लास्टिक मींस कि इनमें एक्टोड्रम मौजूद होता है, इनमें मेसोड्रम मौजूद होता है, और इनमें क्या मौजूद होता है, इनमें एंडोड्रम मौजूद होता है। इनमें ऑर्गेन सिस्टम है, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 में, तो इसमें क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है, इसमें ऑर्गेन सिस्टम मौजूद है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, मींस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस न्यू यंग वन, अपने ही जैसे जानदार पैदा करने के अमल को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, तो इसमें मोस्टली जो है, इसमें मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, ठीक है, मगर रेयरली असेक्सुअल इनमें रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। एक और बात आप याद रखिएगा कि इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, जैसे हमारा लिवर है उसमें पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर इस तस्वीर को देखेंगे, अगर इसकी ये आर्म यहां से कट हो जाए तो फिर दोबारा ये रीजनरेट हो सकती है, मींस के इन जानदारों में पावर ऑफ रीजनरेशन है। इनमें एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट मिलके इनमें एंडोस्केलेटन बनाते हैं, जो एंडोस्केलेटन इनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है उसको कहते हैं ऑस्क्यूलस, क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलस। और ऑस्क्यूलस या एंडोस्केलेटन इनमें दो किस्म का होता है, एक होता है स्पाइन और दूसरा होता है क्या, प्लेट लाइक, यहां पे मुझे स्पाइन लिखना था, एक होता है क्या, स्पाइन और दूसरा होता है क्या, प्लेट लाइक, ठीक है। स्पाइन दो किस्म के होते हैं इन जानदार में, एक स्पाइन शॉर्ट होते हैं और एक स्पाइन जो है लॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट स्पाइन होते हैं उनमें जो जानदार आते हैं, ये एग्जांपल मैंने लिख रखी है पहले से, उनमें आता है सी अर्चिन, जिनमें के स्पाइन जो है इनका एंडोस्केलेटन क्या है, वो छोटा होता है, सही है। और एक ऐसे भी जानदार होते हैं जिनमें के जो स्पाइन है वो बड़े होते हैं, उनमें जो जानदार आते हैं उनको कहते हैं सैंड डॉलर्स। डॉलर्स का नाम तो यकीन हर कोई सुनना चाहेगा, ये भी चाहेगा कि मुझे भी डॉलर्स मिले। इनको सैंड डॉलर्स क्यों कहते हैं, क्यों कि काफी टाइम पहले इनकी जब डेड बॉडी मिलती थी तो डेड बॉडी की जो शक्ल है वो अमेरिकन डॉलर्स के जैसी थी, तो अमेरिकन डॉलर्स के जैसी इसकी शक्ल होने की वजह से इनका नाम बड़ा क्या, सैंड डॉलर्स। ये नाम याद रखिएगा कि सैंड डॉलर्स, डॉलर्स की बड़ी अहमियत है, उस बड़ी अहमियत को आप मेमोरी को कनेक्ट करेंगे कि इसमें स्पाइन भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। पावर ऑफ रीजनरेशन की बात हो गई कि इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, मना इनका कोई पार्ट टूट जाए तो ये दोबारा से उसको रीजनरेट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनमें जो लार्वा बनता है वो बाय पेनेरिया बनता है, जो इनमें ये याद रखिएगा कि जो लार्वा बनता है वो बाय पेनेरिया है, ठीक है, लार्वा क्या है, बाय पेनेरिया है, ये नाम याद रखिएगा। और इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एक डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट, एक डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, और इनमें जो एग है उनसे हैचिंग होती है, लार्वा बनता है, और लार्वा की शक्ल और एडल्ट जो है इनके पेरेंट्स उनकी शक्ल एक जैसी नहीं होती, फिर दोबारा वो जब बड़ा होता है तब उनकी शक्ल जाके मिलती है। वो जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में जो न्यू नेट्स है या जो न्यू बेबी है उनकी शक्ल पेरेंट्स जैसी होती है, जैसे हमारे में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है, जो न्यू बेबी होता है वो एडल्ट के जैसा ही होता है, और इनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो ये फर्क है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। तो ये याद रखिएगा कि जो एकाइनोडर्मेट्स है उनमें जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, वो डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट मना लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद जो है एडल्ट बनेगा, और इनमें जो लार्वा बनता है लार्वा को हम कहते हैं बायपिनेरिया, ये नाम याद रखिएगा। मार्फोलॉजी ऑफ स्टारफिश की हम अगर मार्फोलॉजी देख लेंगे, इनमें इसमें स्टारफिश आती है, ब्राइटल फिश आती है, सी कुकुम्बर इसमें आता है, ये कुछ एग्जांपल है, ये भी आपने याद करने हैं। स्टारफिश की अगर आप मार्फोलॉजी देखेंगे तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये इनको हम आर्म्स कहेंगे, ठीक है। इनमें एनस होता है और इनमें एक पोर होता है जहां से के पानी की एंट्री होती है, यहां से पानी अंदर की तरफ जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेड्रीपोराइट, ये याद रखेगा,
मेड्रिपोराइट से पानी अंदर जाता है, ठीक है। और ये जो शेप है इसको कहते हैं सेंट्रल डिस्क कहते हैं। इनमें स्पाइन पूरे जिस्म में होते हैं, ये कांटे आपको नजर आ रहे हैं, स्पाइन सारे पूरे जिस्म में होते हैं, मगर इनमें मार्जिनल स्पाइन भी होते हैं। प्लेट है, दोबारा हम प्लेट की तरफ आ जाते हैं। ये जो प्लेट है, प्लेट की शक्ल कुछ ऐसे होती है, प्लेट कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पाइन होते हैं, प्लेट के ऊपर स्पाइन होते हैं, ठीक है। और इनके बाहर जो होता है एपिडर्म लेयर होता है, इनके बाहर क्या होता है, एपिडर्म लेयर होता है। इस तरीके से स्पाइन होते हैं, प्लेट स्पाइन और ऊपर होती है एपिडर्म लेयर। इनकी बॉडी में पूरी में स्पाइन होते हैं तभी इसका नाम रखा गया है क्या, एकिनोडर्मेटा। एक और सिस्टम इसमें होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वो हम जो है पढ़ते हैं। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की हम बात करेंगे, एकिनोडर्मेट्स जो है उनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है एक। ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है, एक केनाल सिस्टम होता है कि पानी की एंट्री कहां से होती है और पूरी बॉडी में पानी कैसे फैलता है। और ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम फंक्शन क्या करवाता है, न्यूट्रिशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस पूरी इसकी एनिमल की बॉडी में, और ये लोकोमोशन करवाता है। तो ये प्रोसीजर ये कौन करवाता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। अब वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका केनाल सिस्टम। इसके अंदर जो इसका केनाल सिस्टम है थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 केनाल होते हैं। पहली हम इसको फोकस कर रहे हैं इसके बीच में सेंटर में, इसके सेंटर में एक केनाल होती है उसको कहते हैं रिंग केनाल, जो बिल्कुल बीच में होती है उसको कहते हैं क्या, रिंग केनाल, ठीक है। ये है इसकी रिंग केनाल, ठीक है। रिंग केनाल से एक और केनाल निकलती है जिसको कहते हैं क्या, स्टोन केनाल, इसको कहते हैं स्टोन केनाल, स्टोन केनाल, ठीक है। ये जो स्टोन केनाल है यहां से पानी की एंट्री होती है, पानी इसके जिस्म में यहां से इंटर होता है। ये एक ही ओपनिंग है जहां से के पानी की एंट्री होती है। पानी की एंट्री होती है तो पानी कहां पे पहुंचता है, इसमें रिंग केनाल में, ठीक है। रिंग केनाल के बाद अब कितनी केनाल हो गई, एक केनाल ये हो गया, एक केनाल ये हो गया, दो, ठीक है, रिंग केनाल। और सेकंड नंबर पे क्या है, स्टोन केनाल, स्टोन केनाल, ठीक है। उसके बाद जो रिंग केनाल है यहां से फिर और केनाल्स निकलती हैं जिनको कहते हैं क्या, रेडियल केनाल, यहां पे भी और ये यहां पे भी, यहां पे भी और ये यहां पे भी। तो इन केनाल को हम क्या कहेंगे, ये सारी की सारी केनाल क्या है, ये है रेडियल, रेडियल केनाल, ठीक है। जो रेडियल केनाल है फिर उनसे और ब्रांचेस निकलती हैं, ये भी ये भी ये भी ये ब्रांचेस हैं, यहां पे भी, मना हर किसी पे, समझ जाइएगा मैं ज्यादा नहीं बना रहा, ठीक है। तो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, इनकी साइड में से केनाल निकलती हैं जिनको क्या कहते हैं, रेडियल केनाल, ठीक है जी। ये हो गई रेडियल केनाल, रेडियल केनाल, यहां आप इसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं, रेडियल केनाल, यहां इसको आप ब्रांचेस भी, रेडियल ब्रांचेस भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। जो रेडियल केनाल है ये याद रखिएगा कि जो रेडियल केनाल है इनके लास्ट हिस्से पे, इनके लास्ट सिरे पे क्या होते हैं, इनके लास्ट सिरे पे होते हैं ट्यूब फीट, बहुत सारे ट्यूब फीट, थाउजेंड्स की तादाद में यहां पे अटैच होते हैं ट्यूब फीट्स, बहुत सारे ट्यूब फीट्स यहां पे अटैच होते हैं, मतलब थाउजेंड्स की तादाद में ट्यूब फीट्स कहां पे अटैच होते हैं, लेटरल जो ब्रांचेस हैं उन पे अटैच होते हैं। ये हो गई लेटरल ब्रांचेस और ये ट्यूब फीट्स इसमें अटैच है, ठीक है। अच्छा, और इसको थोड़ा सा मजीद समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे अपना इसको ट्यूब फीट को, ट्यूब फीट को अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक बल्ब की शक्ल की तरह होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्यूला, इस पोर्शन को हम कहेंगे क्या, एम्प्यूला, एम्प्यूला, ठीक है।
ये है एम्प्यूला, सही है। एम्प्यूला के नीचे यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या, शक्कर कप। ये है क्या, शक्कर कप, ठीक है। ये जो ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट का नाम इसको कहते हैं ट्यूब फीट, ट्यूब फीट, जो कि थाउजेंड्स की तादाद में अटैच होते हैं कहां पे, लेटरल ब्रांचेस में। ये जो ट्यूब फीट है इसमें हाइड्रोलिक मोशन होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, पानी जमीन के अंदर आता है, ये निचले वाला हिस्सा जो होता है उसमें भी पानी आता है, और इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से जो स्टारफिश है अपनी मर्जी से कहीं पे भी ये मूव कर सकती है। तो ये जो मूवमेंट का काम करवा रहा है कौन, ये ट्यूब फीट मूवमेंट का काम करवा रहा है, मींस लोकोमोशन का काम करवा रहा है, तो इस वजह से इसको ट्यूब फीट कहा जा रहा है कि ये लोकोमोशन करवा रहा है। इसकी शक्ल फीट की जैसी नहीं है, मगर इसका काम ये है कि ये लोकोमोशन करवा रहा है, इसलिए इसको ट्यूब फीट कहते हैं। ये आपने याद रखना है, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें एक केनाल सिस्टम होता है, ठीक है, एक रिंग केनाल होती है, रिंग केनाल के बाहर एक और केनाल निकलती है जिसको स्टोन केनाल कहते हैं। स्टोन केनाल से पानी अंदर की तरफ आता है, और जहां से यहां से पानी आता है इसको कहते हैं अपना मेड्रिपोराइट। मेड्रिपोराइट से पानी अंदर आता है, फिर रिंग केनाल में आता है, रिंग केनाल के बाद लेटरल केनाल, रेडियल केनाल में आते हैं पानी, रेडियल केनाल के बाद जो है अपना लेटरल केनाल जो है उनमें पानी आता है, उसके बाद ट्यूब फीट में इस तरीके से जो है स्टार फिश जो है मूवमेंट का प्रोसेस इनमें होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है अकाइनोडर्मेटा के जनरल करेक्टर, अकाइनोडर्मेटा के जनरल करेक्टर में हमने पढ़ा कि अकाइनोडर्मेट्स जो है अपना टू ग्रीक वर्ड्स पे बना हुआ है, अकाइनो मींस स्पाइनी एंड डर्मा मींस स्किन। हमने ये भी देखा कि इसमें 6000 स्पीशीज हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन में पाई जाती हैं, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल मोस्टली जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इनकी जो बॉडी है ट्रिप्रोब्लास्टिक है, इनमें सिलोमेटिक सिस्टम है, ट्यूब जो है इनमें मौजूद है, स्पेस मौजूद है, और इनमें ड्यूट्रोस्टोमा है जो कि ब्लास्टोपोर्स से फर्स्ट एनस डेवलप होता है, उसके बाद जो है माउथ डेवलप होता है। और दूसरी बात जो इनमें पढ़ी कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें मौजूद है, केनाल सिस्टम मौजूद है, इनमें जो लोकोमोशन जो एक करेक्टर, ये भी एक यूनिक करेक्टर है कि इसमें जो एकाइनोडर्मेट्स में जो लोकोमोशन का प्रोसेस होता है वो ट्यूब फीट से होता है, ये आपने बात याद रखनी है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आया है तो आप शेयर करिएगा। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें घबराने का नहीं, हम मौजूद हैं आपके लिए, ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, सदकाए जारिया समझ के स्टूडेंट को आप शेयर करें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।